Correct. So it can become a landmark, but they have to maintain and serve better. So two things guys are different. One is waste, another one is service. ट्रेन में बैठने का काउंटर वगैरह सब ठीक है यहाँ? पहले तो भीड़ तो ट्रेन में बैठे होंगे ना आप? हाँ, तो वो तो ट्रैवल करने के लिए बैठे थे। अच्छा, खाने के लिए पहली बार बैठे? हाँ। आपने बहुत अच्छा। अच्छा, आपको कैसा रियलाइज हो? आप खुद ही समझ सकते हो कि कैसा क्या है वो भीड़। तो नए नए चीजों की भीड़ रहती है, नहीं मिल पाता है। अच्छा, नई चीज से नहीं खुलती। घंटे की जॉब रहती है आपकी? 8 घंटे। टेस्टी है सब जगह से क्या? हाँ नहीं, अच्छा है। अच्छा, सब मसाला सब कुछ अच्छा है। तो पहली बार यहाँ? हाँ हाँ, पहली बार आए। पहली बार आए पर बहुत अच्छा, टेस्टी खाना। ट्रेन का मजा भी ले ले रहे हैं। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। जबलपुर में 24/7 था भी नहीं। ये जबलपुर के लिए एक बढ़िया अचीवमेंट है। अन्य महानगरों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। अच्छा, क्या ऑर्डर करने वाली हैं आप? अभी डिसाइड नहीं हुआ, डिसाइड कर रही हूँ। अच्छा, अभी डिसाइड तक आप डिसाइड ही कर रहे हैं? कोई नहीं पता, अभी तक डिसाइड नहीं हुआ आपका? पापा मम्मी डिसाइड करेंगे। सबसे बड़ी बात है कि रेलवे के पास में सुविधा है कि मतलब अगर हम रात को कहीं से ट्रैवल कर रहे हैं तो और कहीं टाइम पर फूड मतलब खाना नहीं मिल रहा, तो आपको 24/7 यहाँ अवेलेबल है। प्लस क्वालिटी बहुत अच्छी होगी बिकॉज रेलवे के द्वारा है। यहाँ पे बहुत सी आइटम है सर, करीबन 26-27 आइटम है। अच्छा, 26-27 आइटम। हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिल रहा है। रिस्पांस अच्छा मिल रहा है। क्या बनाते हैं आप? मैं साउथ इंडियन से। फास्ट फूड कुलदीप सर ऑटो। कुलदीप, ओ कुलदीप, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम शिवम है और आज के संडे स्पेशल डे में हम पहुंच चुके हैं जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन गेट नंबर 6 पे, जहां जबलपुर को रेल कोच रेस्टोरेंट के रूप में एक नई पहचान मिलने जा रही है, जिसका शुक्रवार को पश्चिम मध्य रेलवे महाप्रबंधक ने निरीक्षण किया। जबलपुर के मुख्य रेलवे स्टेशन पर खुला रेल कोच रेस्टोरेंट देखकर एक बार आपकी आंखों पर भी विश्वास नहीं होगा। शानदार लुक और रात में रोशनी से जगमगाते इस रेल कोच रेस्टोरेंट ने जबलपुर स्टेशन की सुंदरता को और बढ़ा दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, सर्कुलेटिंग एरिया में नीले रंग का नवीनतम रेल कोच रेस्टोरेंट काफी आकर्षक बनाया गया है। तो आइए हम लोगों से उनकी प्रतिक्रियाएं जानते हैं और लोगों से जानते हैं कि यहां पर आकर उन्हें कैसा महसूस हो रहा है। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कमेंट जरूर कर दीजिएगा। इसलिए मेंटेनेंस सभी लोग के लिए स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट एक्सपीरियंस बिकॉज ऑफ राइट। सो दिस अस नीट एंड मॉडर्न फीलिंग द रेस्टोरेंट एम वाइट एम मॉडर्न दिस इज टाइप क्वाइट ambience is good. This is open space. This is more for everyone. Like that. Yes, I like even inside I like it's quite good. It's a good place. It should run well. I'm not sure if this is a private vendor or a government vendor. Government also I don't trust that much. Yeah, I'm feeling better. Hello. हाय, क्या नाम है आपका? कृतिका सिंह। अभी आप सेल्फी ले रहे थे, ये सेल्फी पॉइंट तो नहीं बनाने वाले हैं आप लोग इसको? बन जाए तो अच्छी बात है। अच्छा, क्या क्या उम्मीद है कि बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? बनाना चाहिए, सही है। कैसा लग रहा है आपका?
अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा। अच्छा कुछ नया? हाँ अच्छा है यहाँ पे। यहाँ पे ये जो ट्रेन में बैठने का काउंटर वगैरह सब ठीक है यहाँ। पहले तो भीड़ तो ट्रेन में बैठे होंगे ना आपको? हाँ तो वो तो ट्रैवल करने के लिए बैठे थे। अच्छा खाने के लिए पहली बार बैठे? हाँ आपने? अभी नहीं खाया, खाने वाले हैं अभी आए हैं। अच्छा अभी खाया नहीं है, नहीं। अभी सेल्फी ले रहे हैं फिर। हाँ तो क्या खाने वाले हैं आज आप? हम लोग देखते हैं, अभी अभी आए हैं, थोड़ा देख लें फिर खाएंगे। अच्छा अच्छा हाँ, देखने के बाद ऑर्डर करेंगे। हाँ। मेरा नाम मिसेज रश्मि जैन है। मैम पहली बार आई हैं आप? यस आज पहली बार। पहली बार आई हैं तो क्या सोच के आई यहाँ पे या कुछ अलग चीज़? एक्चुअली क्या मेरे हस्बैंड रेलवे में ही हैं, तो उन्होंने मुझे बताया कि एक बहुत अच्छा रेस्टोरेंट खुला है, रेलवे का रेस्टोरेंट है 24/7, तो बोलो चलो चल के देख के आते हैं। सर भी आए होंगे? हाँ यस सर भी आए होंगे। तो यहाँ पे क्या अलग अनुभव मिल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब सबसे बड़ी बात है कि रेलवे के बाद में ये सुविधा है कि मतलब अगर हम रात को कहीं से ट्रैवल कर रहे हैं तो और कहीं टाइम पर फूड मतलब खाना नहीं मिल रहा तो आपको 24/7 यहाँ अवेलेबल है, प्लस क्वालिटी बहुत अच्छी होगी बिकॉज रेलवे के द्वारा है। जी बिल्कुल। क्वालिटी मेंटेनेंस तो 100%। प्लेसमेंट के बारे में क्या कहेंगे? प्लेस तो बहुत ही अच्छी है, बढ़िया। आपको कुछ लगता है कि यहाँ पे कुछ प्रबंधक रेलवे प्रबंधक को कुछ सुधार करनी चाहिए? नहीं नहीं उनका क्या, नहीं नहीं ठीक है, बट बेटर है, परफेक्ट है, बढ़िया परफेक्ट है, क्योंकि हर तरीके का तरह के लोग होते हैं और हर उसमें बहुत अच्छा लगता है क्योंकि हर किसी के लिए होना चाहिए ना ये ओपन जगह। ऐसा नहीं कि हम जिसको रेस्टोरेंट में जाना वो रेस्टोरेंट में बैठ सकता है, जिसको ओपन में बैठना वो देखिए कुछ लोग अपना सामान लेके बैठे उनके लिए कितना कन्वीनियंट होगा। जबलपुर का पहला ओपन बहुत अच्छा, बहुत ही बढ़िया और ओपन फॉर ऑल, इट्स अ टोटल डेमोक्रेसी। अच्छा कोई छोटे बड़े का लिहाज नहीं है, सबके लिए, सबके लिए एक सा है, कोई वो कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है कि ज़्यादा पे करने वाला व्यक्ति ही इसको यूज़ कर पाएगा या वो, सबके लिए एक सा, बहुत इंजॉयबल है, अच्छा खाना, बहुत बढ़िया मस्त है। बना रहे हैं आप? बेल बना, बेल बना रहे हैं। क्या रेट है यहाँ बेल का? 30 रुपीज़। 30 रुपीज़। तो इसमें क्या क्या डालते हैं सर? यहाँ में मुरमुरे, फली दाने और प्याज, टमाटर, मीठी और तीखी चटनी और सेव। तो यहाँ पे आप यही बस बनाते हैं? और नहीं, दावेली है, वड़ा पाव है, वो पाव भाजी है। क्या क्या ये जंक फूड में क्या क्या बनता है यहाँ पे? यहाँ पे बहुत सी आइटम है सर, करीबन 26-27 आइटम है। अच्छा 26-27 आइटम। हाँ और सबके रेट कॉस्टली है या सभी रीजनेबल कॉस्ट है? कृष्णा यादव। क्या बना रहे हैं आप? मैं दावेली अभी कर रहा हूँ, मैं हूँ साउथ इंडियन में। अच्छा तो अभी आप नई ज्वाइनिंग होगी आपकी, कितने दिन का ज्वाइनिंग किया आपको? 1 तारीख को ओपनिंग करा। इसके पहले भी कहीं काम किया है? फर्स्ट टाइम यहाँ काम कर रहे हैं? नहीं मैं गवर्नमेंट कर्मचारी हूँ। कैसा लग रहा है काम करके आपको? बहुत अच्छा लग रहा है, रिस्पॉन्स भी बहुत अच्छा मिल रहा है। रिस्पॉन्स अच्छा मिल रहा है। क्या बनाते हैं आप? मैं साउथ इंडियन से हूँ। फास्ट फूड? अच्छा साउथ इंडियन ऑल टोटल। क्या क्या साउथ इंडियन में क्या क्या? साउथ इंडियन मसाला डोसा है, बड़े हैं, इडली है, सब है। तो रेट सब जगह से अलग है या? अलग है सर, अलग है, नॉर्मल है, सब लोग खा सकते हैं। तो कस्टमर का रिव्यू अच्छा मिल रहा है? हाँ अच्छा। सर आपका क्या नाम है? राजा स्वामी। आप क्या बनाते हैं? यही फास्ट फूड, हर आइटम बनता हूँ। हाँ आपकी सबसे फेवरेट डिश कौन सी है जो आप बनाते हैं? मसाला डोसा। मसाला डोसा, मसाला डोसा सबसे अच्छा बनाते हैं। कैसा रेट मिल, कैसा रिव्यू मिल रहा है? मतलब बढ़िया है। अच्छा लोग अच्छा रिव्यू दे रहे हैं? बहुत अच्छा। अच्छा आपको कैसा रियलाइज हो? देखिए आप खुद ही समझ सकते हो कि कैसा क्या है। वो भीड़ तो नया नया चीज़ों की भीड़ रहती है, अभी नहीं मिल पाता है। अच्छा नई चीज़ से नहीं खुल। कितने घंटे की जॉब रहती है आपकी? 8 घंटे। 8 घंटे बाद दूसरे कर्मचारी आ जाते हैं जी। अच्छा तो 24/7 चलता है अभी तो, लेकिन रात में नाइट में बंद कर देते हैं क्योंकि अभी अलाउ नहीं है। हेलो सर, नमस्ते। हाँ नमस्ते। आप सर कैसा लग रहा है यहाँ का खाना? टेस्टी भी है। टेस्टी है मैम? टेस्टी है सब जगह से। क्या नहीं अच्छा है, अच्छा। सब मसाला सब कुछ अच्छा है। अच्छा अंदर आपको कैसा लग रहा है? बहुत टेस्टी है। हाँ आप पहली बार खा रही हैं? हाँ ये पहली बार, 13 डेज ही तो हुए हैं। तो पहली बार ही आई? हाँ हाँ पहली बार आए, पहली बार आए, पर बहुत अच्छा टेस्टी खाना। तो टेस्ट में कितना रिव्यू देना चाहेंगे? 5 पॉइंट्स में? 4.5। 4.5 माइनस 5 क्यों कट गया उसमें? अब सेकंड बार के लिए रहना चाहिए ना कुछ। अच्छा सेकंड बार में क्या इरादा है? 5 में 5 देने का? हाँ खाना तो बहुत ही टेस्टी है भैया, और कुछ? और रेलवे का एनवायरनमेंट भी मिल जा रहा है साथ में। अच्छा मतलब जो रेल का मतलब ट्रेन का मजा भी ले रहे हैं। जो रेल कोच होती है तो कोच का मजा, कोच का भी मजा भी आ गया इसमें। बिल्कुल बिल्कुल भैया। अच्छा सफर भी हो। खाना कैसा लगा यहाँ का? खाना बहुत अच्छा भी है, टेस्टी भी है, दूसरी जगह भी खाए पर अच्छा लगा यहाँ का। दूसरी जगह से यहाँ अच्छा है? नहीं अच्छा है, टेस्ट अच्छा है इसका।
तो और प्रबंधक से कुछ उम्मीदें हैं आपकी कि यहाँ पे कुछ सुधार करना चाहिए कुछ? अभी तो अब नया हुआ, पहली बार आए हैं, नेक्स्ट टाइम देख। प्लेसमेंट कैसा लगा यहाँ का? अच्छा है, बहुत अच्छा है। सामने का एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा लगा, अंदर जैसे ही घुसे तो हम लोग को देख के ही अच्छा लगा, मतलब वहाँ पे बहुत अच्छा माहौल लगा। यहाँ 5 पॉइंट में से कितना देना चाहिए? मैं तो 4.8 दे दूंगा सर। सर आप क्या सोच के आए हैं? खाना इन्होंने लाया है? अरे ना ना बोलिए सर, उन्होंने सजेस्ट किया तो आया। हाँ तो उन्होंने सजेस्ट करा तो यहाँ आए। पहली बार आए यहाँ पे? हाँ फर्स्ट टाइम है। सर आप बताएं कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं भी पहली बार ही आ रहा हूँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है। जबलपुर में 24/7 था भी नहीं आप जैसे, 24/7 पहली बार इंदौर जैसा कल्चर आते जा रहा है, थोड़ा अच्छा लग रहा है। अच्छा जगह कैसी लगी आपको? बढ़िया बढ़िया। अच्छा रेलवे कोच रेस्टोरेंट में पहली बार खाना खा रहे हैं जी? अब अभी खाना खा के देखने। जगह में क्या? जगह के हिसाब से तो 4। अच्छा कुछ सुधार करने लायक है यहाँ पे? नहीं नहीं मेरे हिसाब से परफेक्ट है। खाना खाने आए हो? हाँ। कैसा लग रहा है यहाँ पे आके? अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है, पहली बार आओ? हाँ अभी तो नया खुला है, पहली बार। 30 दिन तो हो गए ना। हाँ तो कैसा लग रहा है? हम लोग आज पा रहे हैं, अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। खाना खाया अभी? नहीं अभी अभी तो आए हैं। ऑर्डर कर ऑर्डर किया अभी किया किया मेन्यू वो वहाँ रखा है। मेन्यू मिला नहीं है? नहीं दीदी के पास है, फैमिली आई है। पूरी फैमिली वाले आज? अभी तो पता नहीं, डिसाइड नहीं हुआ। डिसाइड नहीं हुआ। तो एनवायरनमेंट यहाँ का कैसा लग रहा है? ओके बहुत अच्छा एनवायरनमेंट है यहाँ का। अच्छा क्या स्पेशल लग रहा है अलग रेस्टोरेंट से? ये बॉक्स दूसरे रेस्टोरेंट से, जो दूसरे रेस्टोरेंट है उससे क्या अच्छा है इस रेस्टोरेंट में? फैसिलिटीज अच्छी है, फैसिलिटीज। हेलो सर नमस्ते। नमस्ते बोलिए। क्या सोच के आए सर यहाँ पे? ये जबलपुर के लिए एक बढ़िया अचीवमेंट है, अन्य महानगरों में इस प्रकार की व्यवस्थाएं हैं। तो क्या कहना चाहेंगे कि जबलपुर को एक नई पहचान मिल रही है? बिल्कुल बिल्कुल, स्मार्ट सिटी की ओर बिल्कुल नई पहचान मिल रही है। और स्मार्ट सिटी का एक मतलब जो कल्पना है, अच्छा। उस कल्पना को साकार होते हम लोग देख रहे हैं और बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। और ये यहाँ पर बैठ के ऐसा फीलिंग हो रहा है कि हम लोग ट्रेन में हैं और ट्रेन में है और ऑर्डर दिए हैं खाने का और खाना आने वाला है। जी जी है ना जी। अच्छा तो बड़े एक्साइटेड होंगे सर खाना खाने? हाँ हाँ नहीं ऐसे तो घर में खाते हैं फिर भी जब एक अलग ही एक्साइटमेंट है क्योंकि पहली बार रेलवे कोच रेस्टोरेंट में आप आ रहे हैं। जी जी क्यों मैम कैसा लग रहा है? जी बहुत बढ़िया लग रहा है। अच्छा कैसा लगा यहाँ का एनवायरनमेंट आपको? बहुत बढ़िया। अच्छा क्या सोच के आए थे सर साथ में लाए थे आपको कुछ बोल गए? हाँ बोल गए सर, बोले कि नया कुछ खुला है चलो। अच्छा नया कुछ खुला है? ये नहीं बताया कि नया रेलवे कोच सरप्राइज था ना? अच्छा ये सरप्राइज सर है ना? अच्छा क्या ऑर्डर करने वाली हैं आप? अभी डिसाइड नहीं हुआ है, डिसाइड कर रही हूँ। अच्छा अभी डिसाइड, तब क्या डिसाइड ही कर रहे हैं? कोई नहीं पता अभी तक डिसाइड नहीं हुआ आपका? पापा मम्मी डिसाइड करेंगे। क्या ऑर्डर करने वाले हैं आप? बस कोई स्पेशल थाली। स्पेशल थाली बहुत अच्छा देखने में भी लग रहा है और जो मार्केट में बाहर में जो चीज़ मिलता है उतने ही पैसे में बहुत बढ़िया सामान मिल जा रहा है यहाँ पर, और बैठने उठने का भी व्यवस्था बहुत अच्छा है। क्या नया फिर जैसे बैठने उठने का तहजीब वगैरह जो है जो बहुत बड़े शहरों में होती है उस तरह का लग रहा है यहाँ माहौल एक तरह का। हाँ हाँ अलग है, बिल्कुल अलग है। हाँ अच्छा लगा आपको? बिल्कुल बिल्कुल। खाना वाना खाया जी? चाय भी खाई पिया। हाँ क्या नाम जी? मेरा नाम मुबारक है, झारखंड से। क्या कहना चाहिए ये अपने आप में एक बहुत अलग पहचान रखता है, अपने आप में एक अलग पहचान रखता है ये सर। जो सुविधा तो इसका स्वाद के नेतृत्व में कैसा लगा है बाकी रेस्टोरेंट्स में क्या अलग था? बाकी रेस्टोरेंट अलग यही है कि आपको बड़े वही स्वाद मिल रहा है या उससे अच्छा है? तो उससे अच्छा ही है। आप 5 रेटिंग में कितनी रेटिंग? सर 5 में 3 दे दिया जाए तो कम नहीं है सर? अच्छा 5 में 3? हाँ 5 में 5 क्यों नहीं सर, क्या कमी? 5 थोड़ा सा कभी थोड़ा सा वातावरण का थोड़ा सा तो है। हाँ ये इस तरह में हाँ एनवायरनमेंट। हाँ तो आपके आप ले रहे हैं क्या क्या चेंजिंग इस रेस्टोरेंट में? तो थोड़ा सा और इसमें चेंजिंग हो जाएगा, सिर्फ बंद हो जाएगा फिर अच्छा नहीं लगेगा सर। हाँ।